अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो जैसे कि आपने देखा है कि मैं चाय के साथ रस खा रही थी, और सुबह तो वैसे भी नाश्ता अच्छा नहीं लगता, तो यही होता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ मैं खा लेती हूँ बस। और व्हाट्सएप चेक कर रही थी, इस पर कुछ मैसेजेस आए हुए थे, बल्कि इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कपड़ों का, तो अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि आप हमारा फ़ोन अटेंड नहीं करते। तो ये चूल्हा यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है, और ये सिलेंडर इधर ही साइड पे मैंने रखा हुआ है, क्योंकि हमारी रोज़ ही हमारी गैस नहीं होती है, रोज़ गैस नहीं होती है, और इतना मसला बन जाता है ना कि ना खाना बनाना भी इतना मुश्किल हो जाता है। फिर वो एक ही चूल्हे पर हम लोग बना लेते हैं सालन और नाश्ता जो भी होता है। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि ये लसूड़े जो थे, ये मैंने जो मेरी मेड है काम करती है जो, उसको मैंने दिए थे। वो अपने घर से इसको बॉईल करके उसकी जो बड़े थे उसकी गुठलियाँ निकाल के, और वो थोड़ा सा तेल लगा के मुझे उसने ला कर दिए, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि मुझे पक्का यकीन था कि मुझसे ख़राब हो जाने थे। उसके बाद फिर इधर ही ले आई, तो मैंने इसमें तेल डाला है, तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें, 2 किलो मैंने इसमें तेल डाला, और अचार मसाला डाला मैंने थोड़ा सा दरदरा करके, नमक मिर्च और हल्दी मैंने इसमें अच्छी खासी डाल के लेट नाइट मैंने रख दी थी, क्योंकि तेल रात को लेट आया था। तो मैंने इसको अभी रख दिया। उसके बाद अब ज़ाहिर इस तरह तो नहीं पड़ा रह सकता जब तक तेल में डूब ना जाए अच्छी तरह, ये ख़राब हो जाएगा। तो फिर इसको एक बाल्टी में मैं शिफ्ट कर दूँगी, और फिर उसको मैं कम से कम 5-6 दिन के लिए इसको धूप लगेगी, और फिर ये जाके तैयार होगा। मैं अपने सामने नहीं दिखा पाई क्योंकि लसूड़ा हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और बल्कि 1-2 दफ़ा मैंने मंगवाया भी था तो मुझसे ख़राब होगा, तो मैं अब रिस्क लेना नहीं चाहती थी। और इसका सीज़न बड़ा, ये बड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं, तो मुझे था कि ये इसका सीज़न ख़त्म ना हो जाए और मैं फिर पछताती ना रहूं। और क्योंकि ये रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं ये। जी तो मैं बस घर के छोटे मोटे काम कर रही हूँ। असल में सोनिया की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उसको कहा है कि तुम सो जाओ, उसने कुछ टैबलेट ली है, तो फिर मैंने कहा कि तुम थोड़ा सा रेस्ट करो 1-2 घंटा, फ्रेश हो जाओगी, थकी थकी मुझे लग रही थी। तो कहती नहीं बाजी काम है तो मैं नहीं सोती। मैंने कहा नहीं तुम सो जाओ, क्योंकि काम तो वैसे करती तो नहीं है, काम करके तो और मेड है, ये तो वैसे मेरे साथ दूसरे कामों में या जो बिजनेस वाला मेरा काम है उसमें मेरी हेल्प कराती है। तो फिर भी उसकी जो है ना, उसको मैंने कहा कि तुम रेस्ट करो, इसलिए मैं खुद ही कामों में लग गई। और रात को मैंने ये गोभी बनाई थी तो उसको भूना नहीं था, तो अब जो है ना मैं इसको कढ़ाई में डाल के भून रही हूँ। और तवा मैंने चढ़ा दिया है, रोटी बना रही हूँ, मनाल कारी साहब के साथ पढ़ रही है, कारी साहब आए हैं तो उनके पास पढ़ रही है मनाल, तो उनको भी रोटी चाहिए थी,
तो मैं फिर रोटी बनाने लगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, तो भूख तो मुझे भी लग रही थी, मनाल को भी लग रही थी। तो गोभी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी बेहतियाती कर लेते हैं, इसके साथ पराठा खा लेते हैं। हालांकि इतनी गर्मी में पराठा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत दिन हो गए थे मैंने पराठा नहीं खाया था, तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं पराठा खाऊं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं आप किस तरह पराठा बनाती हैं, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से, मेरी अम्मी इस तरह बनाती हैं तो मैं भी इस तरह बनाती हूँ। ये बड़ा एक क्विक सा एक तरीका है और बड़ा अच्छा बन जाता है। वैसे तो पराठे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत अच्छे तरीके हैं, लेकिन मैं इस तरह क्योंकि अम्मी को बचपन से देखा है तो बचपन से यही इसी तरह आदत है बनाने की। और यहाँ पे मैंने किचन के अंदर ही चूल्हा रख दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं से भर जाता है घर में, तो फिर किचन के अंदर ही मैंने रख दिया था। और बस मैं अब रोटी खाऊंगी मनाल के साथ, और पराठे के ऊपर ही मैंने गोभी रख दी थी। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतने सारे बादल आए हुए हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मनाल ज़िद कर रही थी कि मम्मा आज ऊपर चलें, तो आज मैं ऊपर आ गई हूँ छत पर। इतने अरसे से छत पर नहीं आई थी, छत का बिल्कुल हशर हो गया है, इतनी सारी काट कबाड़ की चीज़ें पड़ी हैं, इनको भी उसी दिन मुझे साफ़ करना होगा। और मौसम बड़ा प्यारा है, बिल्कुल बादलों से भर जाता है। और अभी जो सामने आप घर देख रहे थे, मेरे घर के सामने, वो मेरी फ्रेंड का ही घर है, और उसके पास बड़ी प्यारी सी बिल्ली है और उसका नाम है स्पू, और उसने 3 बेबी उसके हुए हैं, इतने क्यूट हैं, इतने क्यूट हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। और ये 10-15 दिन के ही हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं। मेरे पास भी एक वाइट बिल्ली थी, पर्शियन बिल्ली, लेकिन वो क्या हुआ कि उसको बाहर जाने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी गली में, तो वो एक दफ़ा गई, जाती रहती थी अक्सर, उसको हम पकड़ के ले आते थे, लेकिन एक दफ़ा ऐसी गई कि कोई ले ही गया। और मुझे तो कैट्स का इतना ज़्यादा शौक है, इतना ज़्यादा, और जिनको कैट से प्यार होता है वो बड़े रहम दिल लोग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रहम होता है, तो जिनको नहीं होता वो थोड़े से सख्त दिल होते हैं, किसी न किसी हद तक वो होते हैं सख्त दिल, लेकिन जो प्यार करते हैं वो बड़े रहम दिल होते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार है, बल्कि मेरे घर में सबको ही प्यार है बिल्लियों से। और ये देखो, ये शरारतें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी मम्मा उनके पास है, ये उनकी मम्मा है और 3 उसके बेबी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं ये। आपके साथ भी कोई ना कोई कैट की कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी आई एम श्योर, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ये बिल्लियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।